अमरनाथ यात्रियों को एडवाइजरी पर श्रीनगर में सियासी घटनाक्रम तेज। राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिली महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन भी थे साथ। राज्यपाल से महबूबा ने की 35A को लेकर चल रही अफवाहों पर लगाम लगाने की मांग, कहा दहशत में है लोग। सत्यपाल मलिक से मिलने के बाद बोली महबूबा, गवर्नर के जवाब बहुत संतुष्ट नहीं। गवर्नर से मिलने से पहले महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन और शाह फजल से की मुलाकात, केंद्र पर राज्य को जेल खाना बनाने का लगाया आरोप। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने जेल खाना बना के रखा है जम्मू कश्मीर को। अभी मुझे नहीं मालूम आप खुद देख रहे क्या कर रहे। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी परिवार में दूसरे राज्यों पर उठाया सवाल, कहा बीजेपी इकलौते मुस्लिम बाहुल्य वाले राज्य को जीतने में रही विफल, जम्मू कश्मीर ने धर्मनिरपेक्ष भारत को चुना। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का खतरा, खुफिया सूचना के बाद राज्य के गृह सचिव ने जारी की एडवाइजरी। सेना की खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की रच रहे हैं साजिश। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्नाइपर्स राइफल और पाकिस्तान में बनी माइन मिली। आतंकी खतरे के मद्देनजर पर्यटकों और अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों को जम्मू कश्मीर छोड़ने का फरमान, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कश्मीर में सीआरपीएफ ने नई छुट्टियों पर लगाई पाबंदी, छुट्टी पर गए लोगों को जरूरत पर बुलाए जाने का निर्देश। आतंकी हमले की एडवाइजरी जारी होने पर लौटने लगे अमरनाथ यात्री, बेस कैंप पर सुरक्षा कड़ी। केंद्र की एडवाइजरी के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की बैठक, श्रीनगर आने में जाने वाले यात्रियों की 9 अगस्त तक की बुकिंग रद्द होने पर यात्रियों को पूरा पैसा होगा वापस। कश्मीर में स्कूल नहीं होंगे बंद, डिविजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान ने कहा किसी भी अफवाहों पर ना दे ध्यान। केंद्र सरकार की एडवाइजरी को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। केंद्रीय सरकार की ये एडवाइजरी देना कि वापस लोग आ जाएं, तो इससे तो बहुत ही पूरी पैनिक है, पूरे का जम्मू कश्मीर में पैनिक है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रोकने पर पंजाब सरकार भी सतर्क, पठानकोट प्रशासन को वापस लौट रहे तीर्थयात्रियों सुरक्षा के कड़े प्रबंध का निर्देश। शोपिया में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर। कल से सुरक्षा बल ने कर रखी थी आतंकियों की घेराबंदी, मुठभेड़ में एक जवान हुआ शहीद। नोएडा के सेक्टर 38 और सेक्टर 58 में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 बदमाश फरार। मेरठ में रोड रेज में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक फरार, कार और बाइक की टक्कर के बाद हुआ था विवाद। हादसे के बाद उन्नाव रेप पीड़िता और उसके वकील की हालत स्थिर, अभी भी गंभीर है, दोनों की स्थिति वेंटिलेटर पर है दोनों। सीबीआई आज देगी नई याचिका, आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ की मांग, 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में है दोनों। रेप पीड़िता के चाचा से भी सीबीआई करेगी पूछताछ, साथ ही हादसा के सीन को भी करेगी रिक्रिएट। हादसे की जांच के लिए 20 अफसरों की टीम गठित, इस टीम में एसपी, एएसपी, डीसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अफसर शामिल। रायबरेली के करीब जहां हादसा हुआ वहां पर सीएफएसएल एक्सपर्ट की 6 सदस्यीय टीम भी भेजी गई। मायावती का योगी सरकार पर वार, कहा रेप पीड़िता के परिजनों को दर्द दे रही है सरकार, ये शर्मनाक। उन्नाव रेप पीड़िता के हादसे पर गरमाई सियासत, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने रेप पीड़िता और परिजनों को मध्य प्रदेश में रहने का दिया सुझाव, सुरक्षा का किया वादा। बीजेपी ने सीएम कमलनाथ पर किया पलटवार, कहा मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा पर दें ध्यान। पीएम मोदी आज 303 बीजेपी सांसदों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे उद्घाटन, 78 राज्यसभा सांसद भी इससे जुड़ेंगे, रविवार को होगा पीएम का भाषण। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वरिष्ठ नेता सांसदों को सदन में आचरण के देंगे सीख, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत, शाम 6 बजे होगा अमित शाह का भाषण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, दिगंबर अखाड़े का करेंगे उद्घाटन, श्रीराम की प्रतिमा निर्माण कार्य का लेंगे जायजा। कटमनी पर गिरी, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने शुरू किया साख बचाने की मुहिम, लॉन्च किया दीदी के बोलो प्रचार अभियान, ममता के फोटो और एक
खास फोन नंबर वाली टी शर्ट पहनकर कार्यकर्ता लोगों को बांट रहे हैं। विजिटिंग कार्ड पीड़ित सीधे फोन कर सीएम से कर सकेंगे शिकायत। विधानसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस एनसीपी मिलकर मैदान में उतरना चाहेगी। पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक फडणवीस सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल और लालच देकर दूसरी पार्टियों में कर रही तोड़फोड़, विखे पाटिल को दिए गए मंत्री पद का हवाला। राजस्थान के झुंझुनू में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब का कहर, शहर में हर गली चौक चौराहे पर बह रही है धारा, शहर के बीच बाहर स्कूटी सवार, एक और स्कूटी सवार को शहर के बीच बरसाती बहाव पार करने का भुगतना पड़ा खामियाजा, स्कूटी के साथ खुद दूर तक बहा। झुंझुनू में अंडरपास में भी हुआ जल भराव, डूबी बस यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक बरसाती नदी में आया उफान, धार के बीच फंसा ट्रैक्टर, तीन लोगों की अधर में अटकी सांस से दूसरे ट्रैक्टर से रस्सा बांधकर खींचने की आई नौबत। भारी बारिश के बाद ऊना में हर तरफ सैलाब का मंजर, कलेक्टर ऑफिस बना जलाशय, बाहर भीतर भरा पानी। भारी बारिश के बाद वडोदरा में सैलाब से हाहाकार, राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ। वडोदरा के कुछ इलाकों में बेहद बुरे हालात, इमारतों की पहली मंजिल तक दिखा जलभराव, एक अस्पताल में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। लोगों के घरों में घुसा पानी, फ्रिज समेत तमाम सामान को किचन स्लैब पर रखने की आई नौबत। भारी बारिश के बाद वडोदरा में विश्वामित्र नदी उफान पर, शहर में सांप और मगरमच्छों का बड़ा खतरा। राजकोट भी बारिश से बेहाल, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, यात्रियों को रही खासी परेशानी। उत्तरकाशी में उफान पर स्पीन नदी लकड़ी का पुल बहने से दर्जनों गांवों का कटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर धारा पार करने को मजबूर लोग। राजस्थान के पाली में बोलेरो सवारों का दुस्साहस पर भारी, बीच नदी में फंसी बोलेरो, बाद में जेसीबी खींचकर निकाली गई बाहर। चंबा में नाले में अचानक तेज बहाव आने से फंसे स्कूली बच्चे, नहीं सूझी राह। सुकमा में सैलाब से हाहाकार, उफान पर सबरी नदी, 50 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। समस्तीपुर में लेफ्ट ने लगाया जाम, बाढ़ पीड़ितों का उठाया मुद्दा, यात्री हुए परेशान। एनएमसी बिल के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन से मरीजों को परेशानी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हड़ताली डॉक्टरों से की मुलाकात, काम पर लौटने को कहा। हड़ताली डॉक्टर्स ने एनएमसी बिल को बताया अलोकतांत्रिक, गरीबों और छात्रों के लिए हानिकारक करार दिया। गया में डॉक्टर्स ने एनएमसी बिल का किया समर्थन, कहा बिल का विरोध करने वाले आईएमए के डॉक्टर ग्रामीण अंचल में नहीं देना चाहते अपनी सेवाएं। दिल्ली विधानसभा से गई कपिल मिश्रा की सदस्यता, स्पीकर ने ठहराया अयोग्य। कपिल मिश्रा का बयान, मोदी के लिए कुर्सी 100 बार कुर्बान। महाराजगंज में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर बाइक सवार दो बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे हमलावर हुए फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में लग्जरी गाड़ियों के दो सुपर चोर, 2 लाख में करते थे महंगी गाड़ियों का सौदा। चोरों के निशाने पर रहती थी सफेद गाड़ियां, पुलिस ने चोरी की गई गाड़ियां बरामद की। नोएडा सेक्टर 20 में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत को हाईकोर्ट से मिली राहत, निलंबन पर लगी रोक, घूसखोरी के आरोप में हुए थे सस्पेंड। वाराणसी के एक अस्पताल में मरीजों के मोबाइल की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा। नालंदा में बिहार शरीफ कोर्ट जा रहे शख्स को अपराधियों ने गोलियों से किया छलनी, 7 गोलियां लगने से मौके पर तोड़ा दम। अलीगढ़ जेल में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, रेप के आरोप में जेल में धबक। झालावाड़ में कुएं में गिरी एक भैंस को जेसीबी के सहारे बाहर निकाला गया, 3 दिनों से कुएं में फंसा था भैंस। यूपी की मैनपुरी पुलिस ने 2 दलालों के खिलाफ दर्ज किया केस, 7 भारतीयों को जाली दस्तावेज पर सऊदी अरब भेजने का मामला। सऊदी अरब में फंसे 7 भारतीयों के फरियाद का वीडियो वायरल, परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार।
अलवर में थप्पड़ का बदला लेने के लिए एक नाबालिग छात्र को अगवा कर पीटा गया, हाथ में हुआ फ्रैक्चर। असम के छगोलिया में पशु तस्कर की गिरफ्तारी पर उग्र भीड़ हुई, पुलिस टीम पर किया हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, बचाव में पुलिस ने की हवाई फायरिंग। भट्टी छपरा ट्रेन में दो यात्रियों के बीच जमकर हुई मारपीट, मामूली विवाद में हाथापाई। सिवान में मैरवा स्टेशन पर दोनों यात्रियों को जीआरपी के हवाले किया गया। प्रयागराज में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद में परिजनों को कमरे में किया बंद, छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर फेंका तेजाब, दो दारोगा और दो कांस्टेबल झुलसे। 65 युद्ध के जाबाज और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की पत्नी का निधन, 96 साल की थी रसूलन बीवी। रायसेन में पुरातत्व विभाग की टीम के लिए 83 किलोमीटर लंबी दीवार बनी पहेली, 12 फुट ऊंची और 12 फुट चौड़ी दीवार को परमार वंश से जोड़ा जा रहा। खुदाई में सूर्य, विष्णु, लक्ष्मी और भैरव की तमाम प्रतिमाएं भी मिली, इलाके को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का हो रहा विचार। वसंत वैली स्कूल में सालाना दो दिवसीय इंटर स्कूल आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का समापन, वेलम गर्ल्स स्कूल की छात्राएं रही विजेता। प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में वसंत वैली स्कूल और वेलम गर्ल्स स्कूल देहरादून के बीच हुई कांटे की टक्कर। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल कैंपस में ही 7वीं क्लास के छात्र के हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बाइक डिवाइडर से टकराई, दो बाइक सवार की मौत। कन्नौज में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर बवाल, गांव वालों ने ट्रक में की तोड़फोड़। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर घाट से 6 कांवड़िए गिरफ्तार, शिव भक्ति के नाम पर पी रहे थे शराब। जौनपुर में पत्नी को जुए में हार गया शराबी पति, दोस्तों ने विवाहिता के साथ किया गैंगरेप। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में उफान पर है काजरी नदी, रास्ते में गिरे नागद्वारी मंदिर जा रहे यात्री। दिल्ली के वसंत वाले स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का समापन। केदारनाथ पहुंचने वाली यात्रियों को नहीं होगी कैश की किल्लत, एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया एटीएम। पुणे मुंबई के बीच दौड़ेगी दुनिया की पहली हाइपर लूप ट्रेन, 35 मिनट में पूरी होगी दूरी। 165 रुपए की गिरावट के साथ 35,630 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी में 370 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी ले सकेंगे लोन, ग्राहकों को मिलेगी छोटे लोन की सुविधा। जेपी इंफ्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखी बरकरार, नहीं होगी कंपनी की नीलामी, दो हफ्ते तक सीओसी नहीं ले सकती कोई फैसला। टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टिगोर की कीमतों को 80,000 रुपए घटाया, जीएसटी की घटी दरों का ग्राहकों को मिलेगा फायदा। लखनऊ जेदा के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगा एयर इंडिया, इस साल सर्दियों में हो सकती है शुरुआत। टीसीएल ने 27,990 रुपए में लॉन्च किया 4K AI स्मार्ट टीवी, आंध्र की तिरुपति में प्लांट में मिलेगा 6,000 लोगों को रोजगार। फ्लोरिडा में आज होगा सीरीज का पहला T20 मैच, फील्डिंग प्रैक्टिस और फुटबॉल से टीम इंडिया ने वार्म अप में खोले हाथ। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भविष्य में टीम इंडिया का कोच बनने की जताई ख्वाहिश, लेकिन कहा फिलहाल इस दौड़ में शामिल नहीं। FIFA.com को दिए इंटरव्यू में कोहली ने फुटबॉल के प्रति अपने प्यार को किया ताजा, कहा मौजूदा वक्त में रोनाल्डो जैसा कोई नहीं। रॉरी बर्न्स के नाबाद 125 रनों की पारी से पहले टेस्ट में इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब, दूसरे दिन स्टंप तक मेजबानों का स्कोर 4 विकेट पर 267 रन। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी खेली 57 रनों की पारी, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया थे 284 रन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग की तारीफ के पढ़े कसीदे, ट्रंप ने ट्वीट में लिखा किम के पास अपने देश के लिए बेहतरीन और खूबसूरत विजन है। चीन के ग्वांगसी में तूफान से तबाही, भारी बारिश, तर बतर हुआ शहर और तेज हवाओं में टूटे दरख्त। सऊदी अरब ने अकेले महिलाओं की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध, हटाया सुरक्षा के बीच अकेली महिलाओं को यात्रा की मंजूरी।
कोलंबिया में बच्चों की सेहत के मद्देनजर स्तनपान को दिया जा रहा है बढ़ावा। बागोटा में 2000 महिलाओं ने बच्चों के साथ कराई ब्रेस्ट फीडिंग। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।